दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑनलाइन फिक्स्ड डिपॉजिट करके बताऊंगा, जिससे आप देख करके आसानी से अपने मोबाइल से ही फिक्स्ड डिपॉजिट कर पाएंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD यानी कि टर्म डिपॉजिट, इसे टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। ऑनलाइन फिक्स्ड डिपॉजिट करने का फायदा ये है दोस्तों कि आपको ब्रांच में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। एक साल के लिए जितना ब्रांच में आपको ब्याज दर मिलेगा उतना आपको मोबाइल से भी मिल जाएगा, और ऑटोमेटिक ये क्लोज होकर के जितने टाइम के लिए करेंगे उसके बाद आपके सेविंग अकाउंट में आ भी जाता है, लेकिन ऑफलाइन में आपको क्लोज करवाने के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सुविधा आपको मिलता है कि ऑटोमेटिक आपका क्लोज होकर के सेविंग अकाउंट में पैसा आ जाना है साल भर के बाद या फिर दो साल के बाद जितने दिनों के लिए आप करेंगे, और ब्याज दर तो सेम ही मिलेगा जैसा कि आप ब्रांच में जाकर के करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिलहाल मैंने अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट से। यहाँ पर मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग यानी कि BoWorld ऐप लॉगिन कर लिया है, और यहाँ पर ये होम पेज है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑप्शन है अकाउंट्स पर, ठीक है, ये ऑरेंज कलर में अकाउंट्स पर है। मैं इसे सेव के ऊपर लेके जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये अकाउंट ऑनलाइन वीडियो KYC के माध्यम से खोला हुआ है, और ऑनलाइन घर बैठे ही किसी को अकाउंट ओपन करना होगा तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, चेक कर लेंगे वहां से जा करके। तो चलिए फटाफट से हम यहां पर फिक्स्ड डिपॉजिट वाले ऑप्शन के यहां पर नीचे देख सकते हैं कि ओपन नाउ ऑप्शन है, यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पर मेरा सेविंग अकाउंट नंबर शो कर रहा है ये वाला, और यहां पर मेरे अकाउंट में इतना पैसा अभी मौजूद है जिसे मैं 50,000 रुपये अभी करके दिखाने वाला हूँ, 50,000 रुपयों का। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितना चाहें उतना FD यहाँ से आप कर पाएंगे। सेलेक्ट स्कीम के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं ऊपर वाला ऑप्शन फिक्स डिपॉजिट कम्युलेटिव इंटरेस्ट री इन्वेस्ट रेसिडेंट, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ये वाला करेंगे ऑप्शन चुन लेंगे, आपको काफ़ी फायदा देने वाला है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी है, जैसे कि शॉर्ट टर्म भी है, आप यहाँ से 5 वर्षों के लिए जो कि टैक्स सेवर FD होता है वो भी आप यहां से खोल पाएंगे, या फिर मंथली अगर आपको ब्याज चाहिए तो यहां पर ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे, अगर 3 महीने पर क्वार्टरली चाहिए ब्याज तो ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन मैं यहां पर एक ही बार में मैच्योरिटी पर पैसे ले रहा लूँगा, तो यहां पर मैं ये वाला ऑप्शन मेरे लिए ठीक है। उसके बाद यहां पर मैं अपना अमाउंट डाल दूंगा, 50,000 रुपये मैं यहां पर डाल देता हूं, क्योंकि 50,000 रुपये का मैं FD करके आपको दिखाने वाला हूं। टेन्योर चुन लेता हूं 12 महीनों के लिए, तो यहाँ पर 12 महीने मैंने चुन लिए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिमम 12 महीने और मैक्सिमम 120 महीने यानी 10 साल के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट FD कर पाएंगे। ठीक है, और उसके नीचे ऑप्शन है डू यू वांट टू डिपॉजिट अकाउंट टू बी ऑटो रिन्यूड अपॉन मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी पर आपका फिर से ये FD हो जाएगा, तो हमें FD नहीं करना है मैच्योरिटी पर, हमारे सेविंग अकाउंट में पैसा चाहिए तो हम इसे नो कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देते हैं और ये कंफर्म करवाएगा, फिर ये हमें एक FD अकाउंट नंबर भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट शो कर रहा है, देख सकते हैं कि 1 साल के लिए 5% हमको ब्याज दर दे रहा है। ठीक है, और मैच्योरिटी डेट देख सकते हैं 11/5/2023 को है, अमाउंट हमारा इतना है, 12 महीनों के लिए है, ऑटो रिन्यूअल हमारा ऑप्शन नो है, बंद है। ठीक है, कन्फर्म करते हैं और यहाँ पर ट्रांजेक्शन 3 डालेंगे, हमारा FD ओपन हो जाएगा। मैंने डाल दिया है ट्रांजैक्शन पिन और हमारा FD ओपन हो चुका है, देख सकते हैं कि रेफरेंस नंबर इतना है, डिपॉजिट अकाउंट नंबर इतना है। ठीक है, जो कि FD नंबर होगा, ये डिपॉजिट अकाउंट नंबर हमारा FD अकाउंट नंबर है, सेविंग अकाउंट नंबर इससे अलग है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा नाम है और डिपॉजिट टाइप फिक्स डिपॉजिट है, डिपॉजिट का डेट है 11 मई 2022, आज के दिन का डिपॉजिट अमाउंट 50,000 रुपये है, 5% के दर से हमको ब्याज दे रहा है, मैच्योरिटी अमाउंट 52,547 रुपये मुझे मिलेगा यानी कि 2,547 रुपये ब्याज मिल जाएगा। और यहाँ पर नॉमिनी जो कि मेरे सेविंग अकाउंट का है वो टोटल वो डायरेक्ट यहाँ से इसने उठा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा FD खुल चुका है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं होम पेज पर आ चुका हूँ, अब हमको वो FD शो कहाँ करेगा, मतलब हमको कहाँ दिखेगा कि हमारा FD हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट इसका दिखाता हूँ, तो स्टेटमेंट देखने के लिए यहाँ पर मैं पासबुक के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सेविंग अकाउंट में जाता हूँ, व्यू ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला DR माने पैसा कटा हुआ है, फंडिंग हुआ है हमारा इस अकाउंट में, 50,000 रुपये DR कट गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं और अकाउंट नंबर इतना में और यहाँ पर पैसा यहाँ पर गया हुआ है। ठीक है, बैक चलते हैं, अब देख लेते हैं कि हमारा FD अकाउंट नंबर है कहाँ। तो हम यहाँ पर अभी होम पेज पर आ चुके हैं और FD देखने के लिए यहाँ पर कार्ड्स के बगल में मोर ऑप्शन है, सबसे किनारे पर यहाँ पर क्लिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक्सप्लोर के नीचे ऑप्शन है, देख सकते हैं कि माई अकाउंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेविंग्स पर ये ऑरेंज कलर में जो टिक है और 36 रुपये इसमें मौजूद है, यानी सेविंग अकाउंट में मेरे। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है टर्म डिपॉजिट, जो कि पहले नहीं था। टर्म डिपॉजिट के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 50,000 रुपये का हमारा ये FD शो कर रहा है। व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल दिखाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ये अकाउंट नंबर इतना है, यहाँ पर मेरा होम ब्रांच है, होम ब्रांच में मेरा FD हुआ है। उसके बाद यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन्योर बता रहा है और यहाँ पर नॉमिनी का भी डिटेल दिखा रहा है और यहाँ पर मैच्योरिटी डेट भी दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा में आसानी से अपने मोबाइल बैंकिंग यानी कि बॉब वर्ल्ड ऐप से FD कर पाएंगे और उसे देख पाएंगे। ठीक है, तो ये था वीडियो दोस्तों कि बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट कैसे किया जाता है। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।